नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राणा ओशिन इंटरनेशनल से। आज मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा कैसे आप सस्ती फ़्लाइट्स बुक कर सकते हैं जो कि ट्रेन का थर्ड एसी से भी कम प्राइस में हो सकता है। तो आज मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। उसके लिए दो तीन चीज़ें होती हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी होती हैं। पहली चीज़ कि जब भी कोई सी एयरलाइन का कोई भी ऑफ़र होता है तब आपने वो बुकिंग कर लेना है। जब भी कोई ऑफ़र आता है तो हमें वो टाइमली ले लेना चाहिए, क्योंकि जो ऑफ़र अभी आ रहा है वो आगे होगा नहीं होगा इसका कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे कोई भी एयरलाइन ऑफ़र निकालती हैं तो उसकी कुछ लिमिट्स और कुछ टाइम्स होता है। तो जैसे वो 4 दिन या 5 दिन के लिए सेल लगाती है, आपको उस टाइम में जो है आपको ले लेनी चाहिए टिकट्स। ये एक पहला रूल होता है। इसके बाद आपके पास डेट की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई डेट फिक्स हो। जिसकी डेट की फ्लेक्सिबिलिटी है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। टिकट सम एयरलाइन की जो है वो ट्रेन से भी कम प्राइस में बुक कर सकते हैं। आज मैं आपको इसके बारे में इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा भी, तो आप देख सकते हैं कि हम कैसे ट्रेन से भी सस्ती टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं। अभी मैंने जो डेस्टिनेशन चूज़ किया है वो चूज़ किया है चेक करके, जैसे बैंगलोर से चेन्नई का। तो ऐसे जो भी आपका डेस्टिनेशन होता है वो आप चूज़ कर सकते हैं जब भी कोई सेल लगी है। और अभी सेल जो लगी है एयरएशिया की सेल लगी है जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए है, 6 मई 2019 से लेके उसके आगे फेब 2020 तक की सेल है। तो इसमें जो सेल में आप जो है वो टिकट्स परचेज कर सकते हैं काफ़ी अच्छे प्राइस में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आप इसमें लिखेंगे, मैं आपको दिखाऊँगा, बैंगलोर टू चेन्नई, बेंगलुरु टू चेन्नई का ट्रेन फेयर कितना आ रहा है। तो मैं आपको एक साइट के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि मैं आप यहां पे आप चेक करेंगे, आप नीचे आइएगा, यहां पे मैं जूम इन करके बता देता हूं आपको बेंगलुरु टू चेन्नई का कितना जो फेयर आ रहा है। तो यहां पे आप इसको जब ओपन करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो है www.1990di.com है। जैसे ही ओपन होता है अब यहाँ पे देखिए, जो शताब्दी है, जो शताब्दी बेंगलोर से चेन्नई के लिए चलती है ये चेयर क्लास है, तो इसका जो आ रहा है अराउंड 700 आ रहा है, 700 रुपये चेयर क्लास का। तो आप देख सकते हैं कि 700 रुपये है। और ये कब कब चलती है, ऑपरेट करती है मंडे से लेकर संडे तक, एवरीडे ऑपरेट करती है। इस तरह शताब्दी जो है दूसरी जो आ रही है वो अलग है। अब ये जो भी है ये हम सफ़र 12503, इसका 645 है थर्ड एसी का। तो मैं आज बात थर्ड एसी की ही कर रहा था कि देखो यहाँ पे 645 रुपये का जो है रेट आ रहा है, प्राइस आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे भी चीप में कैसे आप बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एयरएशिया की साइट पे जाना पड़ेगा, एयरएशिया का ऑफर जो चला हुआ है। तो हम देखेंगे कि बैंगलोर से चेन्नई जाने का कितना खर्चा आएगा। तो हमने यहाँ पे जो है टाइप करना है बैंगलोर, तो बेंगलुरु आप लिखोगे, बेंगलुरु वहाँ पे एयरपोर्ट है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा। हाँ, अगर आप BLR भी लिखेंगे तब भी आ जाएगा, अगर आप बेंगलुरु पूरा लिखेंगे तब भी आ जाएगा, वो आप डिपेंड करता है आप किस तरह से, वो जैसे ही आएगा स्क्रॉल डाउन करके वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अभी आई थिंक मेरा इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, यस नाउ इज़ ओके आई थिंक सो। सो इसके बाद चेन्नई आपने डालना है और आपने डेट डालनी है। जैसे मैंने डेट डाली है 6 मई के बाद ये सेल है, तो 6 मई के बाद हम डालेंगे। जैसे 10 मई डाली है, 11 मई को भी सेम प्राइस है, तो मैं 10 मई का डाल रहा हूँ, उसको सर्च कर रहा हूँ वन वे का। तो ये ओपन हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखिए कि प्राइस क्या आ रहा है। सुबह जो चल रही है उसका प्राइस आ रहा है 584 आ रहा है, जो कि अगर जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो आप यहाँ पे देखिएगा, अभी मैंने इसमें लॉगिन करना है। इसके बाद कंटिन्यू करिए, फिर मैं अपना पासवर्ड से, यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करूंगा। बिग मेंबर कहते हैं, जो एक बार आपका यूज़र नेम पासवर्ड बन जाता है तो आप बिग मेंबर बन जाते हैं। तो मेरा ऑलरेडी इसमें है, तो आप यहाँ पर अपना जो आपका यूज़र नेम पासवर्ड होगा उसके साथ लॉगिन करिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा कि जो 584 था वो मुझे अराउंड 80 रुपये कम होके 500 रुपये में पूरा पड़ रहा है टिकट। सो बेंगलोर से चेन्नई का टिकट आप देख सकते हैं कि हमें जो ट्रेन का 645 का पड़ रहा था वो हमें अब 500 रुपये में पड़ रहा है यहाँ से। इसके बाद सेम नेक्स्ट करके आप ये वेरिफिकेशन करना होता है, कैपेजा कोड टाइप का होता है ये, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट करेंगे, रोबोट प्रिवेंशन है ये।
इसके लिए कुछ टाइम ले सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें हमें 15 किलो तक का बैगेज भी फ्री है, ठीक है। तो इससे बेटर और क्या ऑप्शन हो सकता है ना, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जाने में। आई थिंक ये अगर ट्रेन में हमारे 6-7 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में हम वहाँ पे बाय एयर जो है वो पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप चीपेस्ट वे में टिकट्स बुक कर सकते हैं। ये कुछ तरीके होते हैं इसमें। हो सकता है आपको 100 रुपीज़ तक और कन्वीनियंस चार्जेस देना पड़े, जो बैंक के चार्जेस होते हैं, बट ये तरीके होते हैं। तो इस तरह से जो है ये आप चीपेस्ट वे में सस्ते सस्ते टिकट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप ये शेयर करेंगे तो हो सकता है कि जिसको ज़रूरत हो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सके। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है एक और ओशन सचिन राणा के नाम से, काइंडली उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए। उसमें भी हम कुछ वीडियोज़ डालना जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे आपने हमें इस चैनल पर इतना अच्छा सपोर्ट किया है, वैसे ही आप उस चैनल को भी सपोर्ट करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद जो है आपको और वीडियोस हम जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक यू।